बिहार के महागठबंधन में पहली गांठ देखने को मिल रहा है। सीबीआई के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू दोनों ही आमने सामने। हमारे साथ हैं रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, एक तरफ महागठबंधन में देखने को मिल रहा है कि आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि सीबीआई को दूर रखना है, ऐसा फैसला महागठबंधन ने कर लिया। दूसरी तरफ जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बैठक ही नहीं हुई, ये क्या हुआ? प्रकाश बाबू, इस महागठबंधन में कई गांठें हैं। पहली गांठ तो एक हफ्ते में खुल गई, सीबीआई को रोकने की कोशिश की जा रही है। किसका डर है, क्यों डर है? क्या आरजेडी डिक्टेट कर रही है टर्म्स क्या जदयू को? यही तो हमारी आशंका थी। अच्छा है, ये भी देख ले बिहार के लोग और ये भी देख ले देश के लोग कि सुशासन बाबू का पहला फैसला दबाव में यह होने जा रहा है कि बिहार में सीबीआई को अब इन्वेस्टिगेट करने की अनुमति नहीं होगी। नीतीश जी, आप ये भी अपने सुशासन का आखिरी अध्याय लिख ही दें। किसको डर है सीबीआई से, क्यों डर है? और एक बात मैं आज कहना चाहूंगा आपको प्रकाश जी, सीबीआई की इतनी आलोचना होती है, किसकी जेबी संस्था है। लालू जी को पहली बार जेल कब हुई थी चारा घोटाले में? किसकी सरकार थी? देवेगौड़ा की ना। लालू जी को कन्विक्शन कब हुआ था चारा घोटाले के 5 केस में, पहले केस में जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री? तो जो सरकार आपके कंधों पर थी उसमें तो आप बच नहीं पाए, तो भ्रष्टाचार करिएगा तो जेल जाइए। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव जिस IRCTC के मामले में आरोपित है, उन पर जो मुकदमा चल रहा है, उसमें हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए और इस गिरफ्तारी से रोकने के लिए सीबीआई को रोकने की बात आरजेडी कर रही है? नहीं, ऐसा है, मेरा कहना दूसरा है। वो तो ऑलरेडी चार्जशीटेड है, वो तो हाईकोर्ट गए थे, सैंक्शन मिले गए। ये जो आदेश देंगे तो पूर्व के निर्णय पर कैसे लागू होगा? लेकिन मैं दूसरी बात कहना है, मैं अभी तेजस्वी जो बोल ही नहीं रहा हूं, ये फैसला मुख्यमंत्री को लेना है ना। शिवानंद जी की एक भाषा है, उपेंद्र कुशवाहा की दूसरी भाषा है। नीतीश बाबू, आपकी भाषा क्या है? लग तो रहा है कि दबाव में आप आ गए, तो इसका तो हम विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखा गया है सीबीआई को लेकर के टकराव है आपस में केंद्र और राज्य सरकार, तो क्या आपको लगता है कि यहां भी जो झपटा झपटी और छीना होगा? प्रकाश जी, तमाम टकराव के बावजूद फ्लैट के कमरों से 60-70 करोड़ निकले कि नहीं निकले? ममता जी शांत हो गए ना? पशुधन ब्लैकमेल, ये विदेश ले जाने के चक्कर में मंडल जी जेल गए कि नहीं गए? देखिए, भ्रष्टाचार छुप नहीं सकता, सच्चाई छुप नहीं सकती, लेकिन वो डिटेल की बात है। आपको लग रहा है कि एक तरफ जेडीयू या आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है, उनको लाल किले से झंडा फहरवाना है, और दूसरी तरफ यहां पर सीबीआई को रोकने की बात हो रही है, क्या दोनों मेल खा रहा है? यही है, प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने दिन में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी आपको बहुत सीढ़ियां चढ़ना है। अभी तो पहले ही सीढ़ी पर आप फिसलते दिखाई पड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति दबाव में काम करता है वो व्यक्ति कभी भारत का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी नहीं दे सकता है। नीतीश बाबू, चारा घोटाले के दबाव में क्या हाल हुआ आपके इंद्र गुजराल जी का, और क्या हुआ था देवेगौड़ा जी का, हम सभी जानते हैं। अब ये देश उससे आगे चला गया है, ये देश सशक्त, बहादुर और ईमानदार नेता चाहता है, इसीलिए मोदी जी पर विश्वास करता है। सुना कैसे इशारों में ही नहीं बल्कि सीधे सीधे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अगर सीबीआई को रोकने की कोई भी कोशिश होगी तो उसका पूरा विरोध होगा, और यह गठबंधन की गांठें जो है वो साफ दिखने लगा है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, ABP News, पटना।